इस प्रेस ब्रीफिंग में सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय की चर्चा आज मीडिया के मित्रों के सामने करना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो मूल चरित्र है, भगवान श्री राम के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ इनका मूल चरित्र इस मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस मंदिर के जो इस भारत नहीं दुनिया के आस्था का केंद्र है उसके होर्डिंग लगे हैं, तो इस पर कांग्रेस चुनाव आयोग में जाकर के आपत्ति व्यक्त कर रही है कि राम मंदिर के होर्डिंग लगे, इन होर्डिंग को हटाया जाए। यह कांग्रेस का मूल चरित्र है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से राम मंदिर पर आक्रमण करने का प्रयास किया है। इनके मन के अंदर पीड़ा क्यों है कांग्रेस के कि राम मंदिर के होर्डिंग क्यों लगे हैं? ये मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता, जिनके श्रद्धा और आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर है, अरे आप भी लगाइए, आपको किसने मना किया है? आपके नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर तो सबका है। हाँ बिल्कुल सबका है, तो आपको राम मंदिर के होर्डिंग लगाने में श्रीमान करप्शन नाथ बंटाधार जी आपको दर्द क्यों है, पीड़ा क्यों है? क्योंकि कांग्रेस को पीड़ा है राम मंदिर के निर्माण से, कांग्रेस को पीड़ा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति, जिनके कारण से आज प्रधानमंत्री की कुशल रणनीति के साथ पूरे भारत की 140 करोड़ जनता ने राम मंदिर की आधारशिला रखी गई और 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का, भगवान रामलला विराजमान होंगे, इसका दर्द, इसकी पीड़ा कांग्रेस के उन तुष्टीकरणवादी नेताओं को है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी हुई। देखिए जरा भाषा, जब सर्वोच्च न्यायालय भारत का ये कह चुका कि राम मंदिर के प्रमाण से लेकर के राम मंदिर है, और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मीडिया विभाग के कहते हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी, शहीदी यानी, मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया भक्त चुनावी राम भक्त बन रहे थे, अब उनकी असल बाबर भक्ति सामने इस मध्य प्रदेश के अंदर आई है, ये इनकी भाषा, इनकी बाबर भक्ति है। यह सब सोनिया के इशारे पर आज देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। यह चरित्र कांग्रेस का, मुंह में राम बगल में बका है, क्योंकि इन्हें तो बाबर और वही दिखाई देता है। कांग्रेस को असल दिक्कत प्रभु राम श्री राम के और सनातन धर्म से इस देश के अंदर कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का इतिहास बनेगा, इससे कांग्रेस को पीड़ा है।